फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ब्यूटीफुल टॉप बनाना सिखाऊंगी। देखिए कितना ब्यूटीफुल टॉप है, ए लाइन टॉप है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस टॉप को हमने टू टाइप से बताया है कि इसको कमर से वाइड कैसे करना है, बट ये नॉर्मल साइज है। कमर से वाइड कैसे करना है इसके लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस टॉप का मेजरमेंट हमने जो रखा है, चेस्ट का मेजरमेंट है 24 इंच है। 24 एंड 25 इंच अगर आपका चेस्ट मेजरमेंट है तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। टोटल डबल क्रोशिए का वर्क है, ये देखिए। एंड ये फ्लावर कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है। इस फ्लावर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके पहले जो मैंने मोबाइल कवर का वीडियो अपलोड किया था, सेम फ्लावर है। तो फ्रेंड्स, लेंथ आप अपने टॉप की अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल टॉप है, हमने टू कलर से बनाया, आप सिंगल कलर का भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। वीडियो को लाइक करें आपका, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल टॉप को बनाना। तो हमने 6 नंबर का क्रोशेट हुक लिया है एंड 4 प्लाई की वूल है। तो इस टॉप को बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने चेस्ट का साइज लेंगे, उसके बाद हम चैन बनाएंगे। तो हम चैन बनाएंगे चेस्ट के साइज़ की। जिस भी साइज़ का आपका चेस्ट है आप साइज लेके पहले आप चैन बनाएंगे। 1 2 3 तो हम चैन बनाएंगे अपनी पहले। ये देखिए ऐसे हम चैन बनाएंगे। बहुत इजी है, बहुत ब्यूटीफुल टॉप लगता है बनने के बाद। मैं आपको थोड़े से चैन में ही बताऊंगी, ज़्यादा लंबी चैन नहीं लूंगी। ये देखिए ये हमने चैन बनाई। आपको जिस भी साइज़ का बनाना है, मैं फिर से बता दूँ एक बार, तो आप अपने चेस्ट का साइज लेंगे, उसके बाद अपनी चैन बनाएंगे। अब हम चैन को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मेरा चेस्ट का पार्ट बनकर रेडी हो चुका है। देखिए तो ये देखिए, तो मैंने पहले हमने ये चैन ली, बेस चैन अपनी ली। तो ये 12 इंच की बेस चैन हमने ली पूरी। ये देखिए 24 इंच है पूरा इसका, ये चेस्ट का साइज। उसके बाद हमने ये टोटल डबल क्रोशेट से बनाया है। तो मैं आपको थोड़े से चैन में बना के बताती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। अब हम चैन को ज्वाइन करेंगे बिल्कुल सीधी करके। ये देखिए ऐसे ज्वाइन करते हुए यहाँ से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन किया हमने 3 चैन। 3 चैन लेने के बाद हर एक चैन में हम डबल क्रोशेट लेंगे। डबल क्रोशेट लेते हुए अपनी रो को कंप्लीट करेंगे पहले। तो ये पूरी हम डबल क्रोशेट बनाएंगे हर एक चैन से लेते हुए। अगर आपको क्रोशिया भी चलाना नहीं आता है तो ये टॉप आपके लिए बेस्ट है बनाने के लिए, बहुत इजी है। ये टॉप पूरा डबल क्रोशेट से ही बना है, बहुत इजी है, बट बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ये देखिए, तो ये हम डबल क्रोशेट की ये पूरी रो, अभी हम ये पूरा राउंड अभी कंप्लीट करेंगे डबल क्रोशेट बनाते हुए, इस पॉइंट तक आएंगे। तो ये हमने अपना राउंड कंप्लीट किया। 1 2 3 थर्ड चैन से हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे हमें इस पॉइंट में ध्यान देना है कि हमको फिर से टर्न करके ही बनाना है इसको, कंटिन्यू ऐसे नहीं बनाना है जैसे हम बनाते हैं, बट हमको टर्न करके। ये देखिए ये हमने ज्वाइन किया, उसके बाद हम वर्क को टर्न करेंगे ऐसे। अब हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद देखिए नेक्स्ट वाली स्टिच में सिंगल क्रोशेट, सॉरी डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये पूरी रो हम ऐसे अभी कंप्लीट करेंगे। थर्ड रो भी सेम बनाएंगे टर्न करके। ये देखिए थर्ड रो भी मैं एक बार फिर से बताती हूँ, ये पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद, तो ये डबल क्रोशेट से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे।
ये हमने अपनी सेकेंड रो भी कंप्लीट की, राउंड कंप्लीट किया। देखिए तो यहाँ पे इस पॉइंट में ध्यान देना है, ये देखिए तो ये स्टिच हमारी जस्ट इसके बगल वाली स्टिच में ही है, ये देखिए कहाँ। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से, तो 1 2 3 थर्ड चैन से ज्वाइन करेंगे, सॉरी अब इसको टर्न करेंगे वर्क को, ये देखिए ऐसे 3 चैन। अब ये हमारी नेक्स्ट स्टिच है, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट हो गया नेक्स्ट राउंड का। ये हमारी ये नेक्स्ट वाली स्टिच है, इसमें हम डालेंगे, ये देखिए डबल क्रोशिया बनाई। तो ऐसे हमें ऐसे हम अपनी डबल क्रोशिया बनाते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे ऐसे ही। तो टर्न करते हुए हर रो में हमें टर्न करते हुए ही बनाना है, बट इस पॉइंट में ध्यान देना है, ये देखिए डबल क्रोशेट का कि सेम डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट ऊपर डबल क्रोशेट ही होनी चाहिए, तो इस पॉइंट में हमें ध्यान देना है, ये देखिए। तो ये हम ऐसे बनाएंगे, तो ये हमारा ये कंप्लीट हुआ बनाने के बाद, ये देखिए ऐसा बनाया हमने। ये देखिए बनाया हमने, तो ये जो बेस लाइन है हमारी ऊपर रहेगी। अब हम नीचे से बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे बनाना। तो ये जो हमने बेस लाइन अपनी बनाई है 24 इंच की है टोटल पूरी। इसके बाद ये देखिए तो ये हमारा जो टॉप बनेगा धीरे धीरे ऐसा वाइड होता जाएगा धीरे धीरे। तो ये देखिए तो ये चेस्ट का पार्ट है, हमने जितना कवर होना है उतना हमने बना लिया है, तो टोटल 14 रो हमने बनाई है। अगर आपको थोड़ा वाइड चाहिए, लूज टॉप पसंद है, ज़्यादा लूज पसंद है, यहाँ से कमर के एरिया से लूज चाहिए, तो हम पहले लूज वाला बताएंगे कैसे बनाएंगे इसको। देखिए फिर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, फाइव चैन लेंगे, देखिए फाइव चैन ली हमने, अब सॉरी 1 2 3 3 चैन 1 2 टोटल हमने 5 चैन ली। तो पहले हम, अगर आपको लूज टॉप पसंद है, नीचे से कमर के एरिया से लूज पसंद है, तो पहले हम ये वाला बताएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे लूज वाला। उसके लिए कैसे स्टिच काउंट करेंगे, 1 2 थर्ड में हम डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 चैन सेम प्लेस में ये डबल क्रोशेट बनाई हमने, 3 चैन 1 2 स्टिच स्किप करके थर्ड में डबल क्रोशिया, 2 चैन सेम प्लेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चैन 1 2 3 थर्ड में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन सेम प्लेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी वी स्टिच है, ये देखिए तो ये हमारी यहाँ से डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो जाएगी, कमर के नीचे से, कमर के चेस्ट के जस्ट नीचे से हम अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये देखिए तो यहाँ से बनाना। तो हमें ये पार्ट ध्यान से फिर से, जितना चेस्ट आपका कवर हो जाए उसके बाद 2 रो एक्स्ट्रा ही बनाइएगा उसके बाद। ये हाँ ये हमने बनाई हमने, ये देखिए तो ये ऐसे 2 स्टिच स्किप करेंगे तो आपका ये जो पार्ट है कमर का थोड़ा चौड़ा बहुत हो जाएगा, ये बिल्कुल स्कर्ट स्टाइल का बनेगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। बट हम नॉर्मल साइज़ का बनाएंगे, नॉर्मल साइज़ भी लूज ही रहेगा बट ज़्यादा नहीं रहेगा, कम रहेगा। ये देखिए तो हम नॉर्मल साइज़ का बनाएंगे। इसके बाद हमने 5 चैन ली, ये हमारी 5 चैन है, तो हम 1 2 3 स्टिच स्किप करके फोर्थ से बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे वी स्टिच बनाना, 2 चैन 3 चैन ये देखिए सेम प्लेस में हमने डबल क्रोशेट बनाए, तो ये हमारी फर्स्ट वी स्टिच स्टार्ट हो गई बनने के, रेडी हो गई। 1 2 3 थर्ड 3 चैन 3 स्टिच स्किप करके फोर्थ से हम एक डबल क्रोशेट लेंगे, 2 चैन सेम प्लेस में एक डबल क्रोशिया लेंगे, 3 चैन 1 2 3 स्टिच स्किप करके फोर्थ से हम एक डबल क्रोशिया लेंगे, 1 2 2 चैन सेम प्लेस में एक डबल क्रोशिया लेंगे। तो ये हम ऐसे वी स्टिच की पूरी रो हम अभी बना के कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक आएंगे बनाते हुए पूरी।
ये हमने अपनी सेकेंड रो भी कंप्लीट की, राउंड कंप्लीट किया। देखिए तो यहाँ पे इस पॉइंट में ध्यान देना है, ये देखिए तो ये स्टिच हमारी जस्ट इसके बगल वाली स्टिच में ही है, ये देखिए कहाँ। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से, तो 1 2 3 थर्ड चैन से ज्वाइन करेंगे, सॉरी अब इसको टर्न करेंगे वर्क को, ये देखिए ऐसे 3 चैन। अब ये हमारी नेक्स्ट स्टिच है, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट हो गया नेक्स्ट राउंड का। ये हमारी ये नेक्स्ट वाली स्टिच है, इसमें हम डालेंगे, ये देखिए डबल क्रोशिया बनाई। तो ऐसे हम अपनी डबल क्रोशिया बनाते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे ऐसे ही। तो टर्न करते हुए, हर रो में हमें टर्न करते हुए ही बनाना है, बट इस पॉइंट में ध्यान देना है, ये देखिए डबल क्रोशेट का, कि सेम डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट ऊपर डबल क्रोशेट ही होनी चाहिए। तो इस पॉइंट में हमें ध्यान देना है, ये देखिए तो ये हम ऐसे बनाएंगे। तो ये हमारा ये कंप्लीट हुआ बनाने के बाद, ये देखिए ऐसा बनाया हमने। ये देखिए बनाया हमने, तो ये जो बेस लाइन है हमारी ऊपर रहेगी। अब हम नीचे से बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे बनाना। तो ये जो हमने बेस लाइन अपनी बनाई है 24 इंच की है टोटल पूरी। इसके बाद ये देखिए तो ये हमारा जो टॉप बनेगा धीरे धीरे ऐसा वाइड होता जाएगा धीरे धीरे। तो ये देखिए तो ये चेस्ट का पार्ट है, हमने जितना कवर होना है उतना हमने बना लिया है। तो टोटल 14 रो हमने बनाई है। ये जो टॉप है 8 to 10 ईयर गर्ल के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। उसके बाद अगर आपकी 6 ईयर गर्ल के लिए भी परफेक्ट है रहेगा, अगर वो ओवरवेट है तो, गर्ल 6 ईयर के लिए। अगर आपको थोड़ा वाइड चाहिए, लूज टॉप पसंद है, ज़्यादा लूज पसंद है, यहाँ से कमर के एरिया से लूज चाहिए, तो हम पहले लूज वाला बताएंगे कैसे बनाएंगे इसको। देखिए फिर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, फाइव चैन लेंगे। देखिए 5 चैन ली हमने, अब सॉरी 1 2 3 3 चैन 1 2 टोटल हमने 5 चैन ली। तो पहले हम ये 5 चैन लेने के बाद सेम प्लेस में एक डबल क्रोशेट बुनाएंगे, ये देखिए। अब हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 3 चैन लेने के बाद ये देखिए 1 2 स्टिच स्किप करके थर्ड में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन, सेम प्लेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए। तो भी स्टिच बनाएंगे हम 3 चैन 1 2 स्टिच करके थर्ड में डबल क्रोशिया, 2 चैन, सेम प्लेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आपको लूज पसंद है, लूज टॉप पसंद है, नीचे इस चेस्ट के पार्ट के बाद से कमर का एरिया लूज पसंद है, ज़्यादा लूज पसंद है, तो आप ये वाला 2 स्टिच स्किप करके थर्ड से बनाएंगे, ये देखिए वी स्टिच बनाना स्टार्ट करेंगे। बट अब हम नॉर्मल साइज़ का बनाएंगे, नॉर्मल साइज़ भी लूज ही रहता है, सेम बनाएंगे। देखिए ये वी स्टिच हमारी बन गई फर्स्ट, ये 5 चैन एंड सेम प्लेस में वी स्टिच बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए 3 चैन 1 2 3 स्टिच स्किप करके थर्ड से हम बनाना स्टार्ट करेंगे वी स्टिच, सॉरी 1 2 3 फोर्थ से बनाना स्टार्ट करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन, सेम प्लेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चैन, 1 2 3 स्किप किया फोर्थ से, 1 डबल क्रोशिया, 2 चैन, सेम प्लेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चैन। तो ऐसे हम 3 3 स्टिच स्किप करते हुए अपनी वी स्टिच बनाते जाएंगे, पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने अपना राउंड कंप्लीट किया वी स्टिच का, लेकिन 3 चैन। एंड अगर आपके यहाँ पे 1 या 2 स्टिच कम हो जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 चैन लेंगे। अब हम 1 2 3 थर्ड चैन से ज्वाइन कर देंगे, वी स्टिच लेते स्लिप स्टिच लेते हुए वी स्टिच में आएंगे, ये देखिए ऐसे वर्क को टर्न करेंगे,
थ्री चैन, वन टू थ्री। अब इसी भी स्टिच में हमें पहले टू डबल क्रोशिया बनाना है, वन, तो थ्री चैन काउंट करेंगे, फर्स्ट डबल क्रोशिया एंड सेकेंड, तो वन टू, टू चैन, सेम प्लेस में वी स्टिच में ही हम सेम प्लेस में वन एंड टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, थ्री चैन, ये वी स्टिच है, इसमें हम वन टू, टू डबल क्रोशिया, टू चैन, सेम प्लेस में टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन एंड टू, थ्री चैन, वी स्टिच में टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू, सेम प्लेस में टू डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हम सेम रो रिपीट करेंगे, वी स्टिच में ही टू डबल क्रोशिया, टू चैन एंड टू डबल क्रोशिया बनाते हुए अपनी रो कंप्लीट करेंगे, थ्री चैन, फिर वी स्टिच में हमने ये बनाना है डिज़ाइन, टू टू डबल क्रोशिया, टू चैन, टू डबल क्रोशिया, थ्री चैन, वी स्टिच में टू डबल क्रोशिया, टू चैन, टू डबल क्रोशिया, टू चैन बनाते हुए अपनी ये पूरी सेम रो कंप्लीट करेंगे, बनाते इस पॉइंट तक आएंगे। फिर हमने अपनी रो कंप्लीट की, थ्री चैन, वन टू थ्री, थर्ड चैन से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, ये देखिए। अब हम दूसरा कलर लेंगे, आप सिंगल कलर से भी बना सकते हैं, दूसरा कलर ज्वाइन करके, ये देखिए स्लिप स्टिच ली हमने, वन चैन। अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे, थ्री चैन, वन टू थ्री, थ्री चैन लेने के बाद अब ये जो थ्री चैन का स्पेस, टू चैन का स्पेस है, इसी में हम सेम टू डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, वन, तो हमारा थ्री चैन है वो भी वन डबल क्रोशिया ही है, वन टू, टू चैन, सेम प्लेस में टू डबल क्रोशिया, वन एंड टू, थ्री चैन, अब ये जो भी ये जो टू चैन का स्पेस है इसमें भी हम सेम बनाएंगे, वन टू, टू चैन, सेम प्लेस में वन एंड टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, थ्री चैन, फिर टू चैन का स्पेस है इसमें हम वन टू, टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, टू चैन, सेम प्लेस में टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन एंड टू, ये देखिए। तो ये हम अपनी रो पूरी कंप्लीट करेंगे दूसरे कलर से भी, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट रो ब्लू कलर से, फिर इसके बाद ये कलर चेंज करते हुए हम टोटल एट रो अपनी कंटिन्यू बनाएंगे ये नेक्स्ट। तो टर्न करके ही बनाना है, लेकिन जब भी आपका ज्वाइनिंग पार्ट आए तो यहाँ से टर्न होके ही बनाना है आपको, ये ध्यान में रखना है। चलिए फिर एट रो तक पहले कंप्लीट करते हैं बना के, एंड ब्लू कलर को कट कर देंगे, देखिए नॉट लगा के, फिर वूल को सब इन कर देंगे, ये हमने नॉट लगाई, अब इन कर देंगे, ये देखिए ऐसे बनाएंगे। तो टोटल हमने एट रो बना के कंप्लीट की, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये हमारी लास्ट रो है। लास्ट रो हम कैसे बनाएंगे, सेम ही है बट थोड़ा सा चेंज है, ये देखिए
तो ये नॉर्मल साइज है। अगर आप वाइड वाला बना रहे हैं तो उसमें हम सेम में 4 डबल क्रोशेट 3 चैन, 4 डबल क्रोशेट और नॉर्मल यहाँ पे 3 चैन ही लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में 4 डबल क्रोशिया 3 चैन एंड 4 डबल क्रोशिया लेंगे। बट ये नॉर्मल साइज है तो हम नॉर्मल साइज में 3 डबल क्रोशेट 1 2 3 2 चैन 3 डबल क्रोशेट लेंगे। देखिए 3 चैन 1 2 3, तो हमारी लास्ट रो है। लास्ट रो थोड़ी वाइड बनाएंगे, तो देखिए लास्ट में हम ये 2 चैन का स्पेस है, यहाँ पे हम 1 2 एंड 3 2 चैन 1 2 एंड 3, फिर लास्ट रो हम बनाएंगे सेम 3 चैन, फिर नेक्स्ट में आएंगे 2 चैन की स्पेस में 1 2 एंड 3 2 चैन 1 2 एंड 3 3 चैन बनाया हमने, 3 चैन 2 चैन का स्पेस है ये, यहाँ पे भी हम 3 डबल क्रोशेट ही बनाएंगे 1 2 3 2 चैन सेम प्लेस में 1 2 एंड 3 3 चैन, अब यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे 3rd चैन से 1 को कट कर देंगे। ये देखिए तो ये हमारा जो टॉप बन के रेडी हुआ है ये ए लाइन है। ये देखिए तो ये हमारा जो टॉप है, देखो आप ये पूरा ए लाइन का टॉप है, ए लाइन है। अब आप इसको वाइड बनाना चाहते हैं तो ये काफी वाइड हो जाएगा, लेकिन बहुत ही प्यारा लुक आएगा। लास्ट की रो हमने बताई, अगर आप वाइड वाला बना रहे हैं तो 4 डबल क्रोशेट 3 चैन 4 डबल क्रोशेट लास्ट रो में बनाएंगे। बट ये नॉर्मल साइज है। अब हम यहाँ से काउंट करेंगे, तो ये टोटल पहले हम फिर टोटल चैन काउंट करेंगे कितनी टोटल चैन है। इसमें हमारी 104 टोटल चैन है। तो ये जो ज्वाइनिंग पार्ट था हमारी चैन का, बेस चैन का, ये देखिए तो यहीं से हम काउंट करेंगे। तो फ्रंट में हमने 52 निकाली, 2 से डिवाइड करेंगे तो 104 है हमारा टोटल चैन, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 52 आएगा। तो फ्रंट में हमारा 52 है एंड बैक में 52 है। उसके बाद हम ये देखिए तो यहाँ से काउंट करेंगे, तो यहाँ से हमने काउंट किया टोटल 52, उसके बाद ये मार्कर लगाया, बैक साइड से भी काउंट करेंगे 52, तो हमारा 2 पार्ट से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम ये आर्म पिट बनाएंगे, ये जो यहाँ से हम बनाएंगे तो यहीं से काउंट करेंगे, तो 1 2 3, फिर इसके बाद हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो 52 एंड 52 का हमारा सेंटर पॉइंट हुआ, 52 का सेंटर पॉइंट ये देखिए 25 में लगाया हमने, तो यहाँ से 25 एंड यहाँ से 25, 1 चैन जो है हमारी सेंटर की है, तो ये हमने 1 चैन में, सेंटर में हमारी 1 चैन है, तो 25 एंड 25 सेंटर में हमने लगा दिया, तो ये 1 चैन एक्स्ट्रा है तो हमारे यहाँ पे, तो सेंटर में हमने ये मार्कर लगाया, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया निकल के, ये देखिए। उसके बाद हम आर्म स्ट्रिप बनाएंगे, थोड़ी वाइड ही बनाएंगे, ये स्ट्रिप का पार्ट है, तो ये हमारा आर्म होल का पार्ट है। यहाँ से हम 6 काउंट करेंगे, ज़्यादा वाइड नहीं रखेंगे, 1 2 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद हमने एक मार्कर लगाया, तो ये हमारा ये देखिए। उसके बाद हम 8 काउंट करेंगे नेक्स्ट, 6 के बाद मार्कर लगाया, उसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमने जो 8 काउंट किए हैं यहाँ पे हमारी स्ट्रिप बनेगी आर्म की, ये देखिए। तो यहाँ से हम अपने आर्म होल बनाना स्टार्ट करेंगे, तो यहीं से बनेगा, तो ये हमारा आर्म होल का पार्ट है। तो यहाँ से हमने 8 लिए, फिर यहीं से काउंट करेंगे, देखिए 6 के बाद हमने ये लगाया यहाँ पे मार्कर, उसके बाद फिर हमने 8 काउंट किए, फिर एक मार्कर लगाया, तो ये हमारी जो है ये स्ट्रिप का पार्ट है एंड ये हमारा नेक है, ये देखिए। तो ये हमारा नेक का पार्ट है, सेम बैक साइड भी हम करेंगे। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पहले हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे, फिर हम स्ट्रिप के ये पार्ट निकालेंगे 2।
या समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना इसको। यहाँ से गुल को ज्वाइन करेंगे, जो मार्कर है यहीं से हम ज्वाइन करेंगे। थ्री चैन, वन टू, थ्री चैन बनाई हमने। नेक्स्ट में डबल क्रोशेट लेंगे, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया लेंगे, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशेट लेंगे, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने टोटल एट काउंट की थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें टोटल 8 डबल क्रोशेट बनाने हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, ये तो ये हमने एट बनाई। अब ये मार्कर को हम निकाल देंगे। थ्री चैन, थ्री चैन, वन टू थ्री, वर्क को टर्न करेंगे। नेक्स्ट में डबल क्रोशेट बनाएंगे, तो टोटल 8 डबल क्रोशेट ही बनाएंगे। वन थ्री को काउंट करेंगे, थ्री चैन को काउंट करके, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट। अब ये हमारी थ्री चैन है, इसमें भी हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, तो टोटल 8 हो गई। तो हम स्ट्रिप ऐसे ही पूरी कंटिन्यू बनाएंगे डबल क्रोशिए की ही। ये देखिए, तो हम कंटिन्यू अपनी बनाएंगे स्ट्रिप पूरी। ये पहले बनाते हैं, इसमें भी सेम बनाएंगे ऐसे ही। तो ये पहले दोनों स्ट्रिप बनाते हैं, उसके बाद हम बैक का भी। तो ये स्ट्रिप बैक में आके हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है, तो यहाँ से काउंट करके फिर हम ज्वाइन करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, टॉप बन का बिल्कुल रेडी हो चुका है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, इसमें फ्लावर भी लगाया है, पर्ली भी लगाएंगे तो और भी ब्यूटीफुल लुक आ रहा है। और इसका जो स्ट्रिप बनाया है हमने, तो हमने इसमें वीडियो में मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 का बताया है, बट मैंने 10 डबल क्रोशेट्स यूज़ किया है स्ट्रिप में, तो और भी ब्यूटीफुल लुक आ रहा है। वाइड है स्ट्रिप, ये देखिए, आपको वाइड बनानी है या इससे पतली बनानी है आपकी चॉइस है। बट मैंने स्ट्रिप बनाने के बाद आप एक बार साइज़ का मेजरमेंट लेके ही ज्वाइन करें, क्योंकि सभी का बॉडी टाइप थोड़ा डिफरेंट रहता है, इसलिए आप साइज़ का मेजरमेंट लेने के बाद ही शोल्डर से स्ट्रिप को बैक साइड से ज्वाइन करना है। चैन मिला के देखिए, अलग से ज्वाइन किया है नीडल से, तो आपको अलग से ही चैन मिला के बैक साइड से ज्वाइन करना है पूरी बनाने के बाद। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ।